सेढ़ू तलैया में ना बिजली के खंभे और ना ही नाली। आपको बता दें कि पूरा मामला नगर के सेढ़ू तलैया मोहल्ले वार्ड नंबर 20 का है, जहां पर वहां के निवासियों को अनेकों प्रकार के समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। सड़कें तो बनी हैं, लेकिन नाली नहीं बनाई गई, जिससे घरों का गंदा और बारिश का पानी आम रास्तों में भर जाता है, जिससे आवागमन में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, लोग अपने घरों में बिजली के मीटर लगवाए हैं, लेकिन 300 मीटर दूर विद्युत पोल लगा है। इसी पोल से लोग लकड़ी और बांस लगाकर बिजली के तार अपने घरों तक ले जाने को मजबूर हैं। इसके अलावा बिजली की बड़ी समस्या बनी हुई है। 300 मीटर दूरी पर विद्युत पोल लगा है, लेकिन बीच में कोई विद्युत पोल नहीं लगा है, जिससे मजबूरी बस लोग बांस बल्ली के सहारे अपने घरों तक तार खींचकर लाइट लाने को मजबूर हैं, जिसका खामियाजा यहां के रहने वालों को उठाना पड़ रहा है। मोहल्ले वालों ने बताया कि इस मामले को लेकर तहसील दिवस और नगर पालिका में कई बार लिखित शिकायत पत्र दे चुके हैं, इसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। जिलाधिकारी से कार्यवाही करने की मांग की गई। भैया आपका इमरान खान है जी। इमरान खान, इमरान जी, बताइए कौन सा मोहल्ला है ये? ये हुसैनगंज मोहल्ला है, और ये यहाँ देख रहे हैं आप कितना बुरा मचा हुआ है। त्योहार का दिन है, हमारे बच्चे पढ़ने भी नहीं जा पा रहे हैं, पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, बच्चों को नमाज के लिए भी नहीं ले जा पा। क्या है, नाली वाली नहीं बनी क्या? नाली की व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है, बिजली के खम्भे नहीं है, जैसे जीवन यापन हो रहा है हम लोग ही जान पा रहे हैं इस बात को, और कोई सुन नहीं रहा है प्रशासन। प्रशासन को दिया तो होगा आप लोगों ने? हम लोगों ने पोर्टल पे भी दे दिया है, हर कहीं भी दे दिया है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग गंदा पानी घरों में भर रहा है, तो पानी घर में घुस जाता है, अंदर घुस जाता है, कीड़े मकोड़े सब अंदर घुस जाते हैं। ये बताइए कौन सा मोहल्ला है जी? ये मोहल्ला हुसैनगंज है, हुसैनगंज, यानी कि ये लोहिया पुल के पास है। हाँ, लोहिया पुल वार्ड नंबर 20 सेढ़ू तलैया, वार्ड नंबर 20 सेढ़ू तलैया। सुबह भैया आपका? मेरा नाम एडवोकेट मोइन खान है। ये कौन सा मोहल्ला है? ये अपना वार्ड नंबर 20 सेढ़ू तलैया लगता है। अच्छा, हुसैनगंज कहते हैं। अच्छा, लोहिया पुल के पास है? लोहिया पुल के पास। अच्छा, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हो रही पानी क्या? यहाँ पे पानी की निकासी नालियों की सुचारू रूप से नहीं की गई है, नाले से नहीं जोड़ी गई है, जिससे छतों का और दैनिक जीवन का जो भी पानी रोज यूज किया जाता है वो सब भराव यहीं पर होता है। और आज हम लोग नमाज पढ़ने से महरूम हो गए हैं, इसी बात से जो है कि यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं रह गया था, अब निकल पा रहा है जब पानी थोड़ा कम हुआ है। छोटे छोटे बच्चे नहीं निकल पाते हैं, सब घरों में कैद होकर रह गए हैं, गंदा पानी है, कुर्बानियाँ नहीं हो पा रही हैं, लोगों को आने में परेशानी हो रही है, गंदा पानी है। ये बताइए बीमारी, ये नाली नहीं बनी है तो आपने प्रशासन से कहा होगा? हमने 2019 से इसके लिए लिखा पढ़ी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जब मोहन साहू जी चेयरमैन थे, अभी हम वर्तमान चेयरमैन को भी अपने कागज़ दे के आए थे, उनके प्रतिनिधि को, और एडीएम साहब को भी हम जनसुनवाई में प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल में भी शिकायत कर चुके हैं। एक भी बिजली का खंभा नहीं है, सारे बिजली के तार पानी के ऊपर से है, कि एक भी लाइन अगर टूट के गिर जाए तो कोई गंभीर घटना हो सकती है, बड़ी हादसा हो, हमेशा हादसा होने का यहाँ बनी रहती गुंजाइश, क्योंकि बच्चे यहाँ साइकिलिंग करते हैं, खेलते हैं, और ये गड्ढे में 12 महीने पानी भरा रहता है। हम लोग इसी तरह से नरक भरा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। अपडेट मीडिया के लिए बांदा से शिवानी सिंह गौतम की रिपोर्ट।